नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के लिए हर बार सभी चुनाव लड़ने वाले माया राम नट ने सुअर बेचकर नामांकन पत्र खरीदा। इस बार वे अपनी बहू विजय लक्ष्मी को असंख्यित समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। इससे पहले वे खुद पंचायत, जनपद और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। दरअसल महंत गांव के रहने वाला ससुर माया राम नट घूमतू समाज से आते हैं। इनकी पीढ़ी बांस के डांग में कर्तव्य दिखाते आ रही है, जिन्हें नट या डांग चागाह भी कहते हैं। उन्हें कर्तव्य के लिए पहचाना जाता है। ससुर माया राम का सुअर पालन का व्यवसाय है। 2001 से शुरू हुआ चुनाव लड़ने का सिलसिला। 2001 में पंचायत चुनाव लड़कर माया राम नट पहली बार पंच बने थे। 2004 से लेकर हर विधानसभा, लोकसभा और जिला पंचायत के साथ जनपद का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। एक बार अपनी बहू को भी जनपद पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बना चुके हैं। इसमें बहू को जीत हासिल हुई थी। 2023 में पामगढ़ विधानसभा रिजर्व सीट से अपना नामांकन भरा था। भूमिहीन है विजय लक्ष्मी ने बताया कि वे कच्चे मकान में रहते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, कोई पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं है, फिर भी वो लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचने की उम्मीद से चुनावी मैदान में उतरते हैं। उनके सामने प्रत्याशी कोई भी रहे, कितना भी खर्च करे, माया राम गांव गांव जाकर लोगों को डंग चगहा कर्तव्य दिखाकर अपने प्रचार करते हैं। लोगों से कर्तव्य दिखाने का इनाम भी लेते हैं। ग्राम पंचायत महंत का रहने वाला है। हर चुनाव में खर्च के लिए बेचते हैं सुअर। विजय लक्ष्मी ने बताया कि उनका सुअर पालन का व्यवसाय है। हर बार सुअर बेचकर नामांकन फार्म खरीदते हैं। उसके पास 100 से ज्यादा छोटे बड़े सुअर हैं, जिसमें बड़े की कीमत 10,000 रुपए तक मिल जाती है। छोटे सुअर 3 से 5,000 रुपए में बिकते हैं। चुनाव का नामांकन पत्र दिखाती माया राम की बहू विजय लक्ष्मी। मैं सभी मतदाताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी स्टूडेंट साथियों को नमस्कार करती हूँ। सरहद पर खड़े वीर जवानों भैया को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं विजय लक्ष्मी नाथ पति मदनू रामनाथ ग्राम पोस्ट महान तहसील थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ जी। मेरी शिक्षा पहले प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाई की हूँ 5वीं तक, फिर 8वीं से लेकर 6वीं से लेकर 8वीं तक मैं निजी क्लास में पढ़ी हूँ और 9वीं से लेकर 12वीं तक मैं मोराम पढ़ी हूँ। मेरा शिक्षा दीक्षा पहले से ही सरकारी स्कूल में ही चला है और अभी जो मुझे संसद का टिकट मिला है वो मेरे श्रीमान मेरे पिता तुल्य माया रामनाथ की वजह से मिला है। वह 23 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं और 23 वर्षों से चुनाव लड़ने का मुद्दा यही है कि जो सभी वर्ग के अधिकार को, उसके हक को दिला सके, जो पिछड़े जाति वर्ग के लोग हैं उसको भी उसका अधिकार दिला सके, इसलिए उसने आज मुझे चुनाव मैदान में उतारा है। अभी मेरे BA/MBR की पढ़ाई जारी है, जो शहीद नंद कुमार पटेल SD कॉलेज में परीक्षा कल ही ख़त्म हुआ है मेरा। और प्रचार प्रसार जो है वो लोग हम लोग जा रहे हैं प्रसार के लिए, और जो हमारा मुख्य पेशा है खेल दिखाना, उसको बच्चे को लेकर जा रहे हैं और खेल दिखाकर अपना वोट मांग रहे हैं। और चुनाव लड़ने के लिए जो हमारे आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति तो हम लोगों का बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ हम लोगों को कुछ ना रोज़गार है ना तो कुछ व्यवस्था है। जो आर्थिक स्थिति है, हम लोग जो सुरा हम लोग पोसते हैं चराते हैं उसको बेचकर हम लोग चुनाव में लगाते हैं और हमारा पूरा घर का खर्चा उसी से चलता है। जो मेरा पढ़ाई का खर्चा है मेरे ससुर माया रामनाथ ही पूरा करते हैं। जो स्कॉलरशिप है वो भी, जो मतलब स्कूल का जो फीस लगता है, पढ़ाई लिखाई पुस्तक कापी हर लोग हम हर चीज़ को हम लोग सुरा ही बेचते हैं, तो उससे हम लोग जो हमारी ज़रूरत के सामान है उसको हम लोग उसी से पूर्ति करते हैं।